हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइन। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हाउस प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज़ 31.5x45, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर में 4BHK हाउस प्लान दिखेगा, उसके ऊपर भी आपको 4BHK हाउस प्लान कंप्लीट मिलेगा। एलिवेशन कुछ इस तरीके से दिया है। अब मैं आपको इसकी 3D में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते अपने 3D प्लान की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके कंप्लीट प्लान मिलता है आपको 3D में। कंप्लीट अटिया कुछ इस तरीके दिए। वेंटिलेशन यहाँ पे आपको जाल दिया गया, वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी के यहाँ पे आपको ओपन टेरेस मिल जाती है। एलिवेशन कुछ इस तरीके से रखा है। इस प्लॉट का मैंने साइज रखा है 31.5x45, फ्रंट इसका 31.5 फिट रखा है, लंबाई इसकी 45 फिट दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रैंप दिए बाइक पार्किंग के लिए। उसके बाद एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जीने के नीचे बाइक पार्किंग मिल जाती है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है। जीना कंप्लीट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। 3.5 फिट का आपका जीना दिया है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है। आपका पैर रखने वाला 10 इंच का है, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले हॉल मिल जाता है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। इस हॉल का मैंने साइज रखा है 11x13 का आपका हॉल बना है, देख सकते हैं 11x13 का हॉल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप किचन मिल जाती है, देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रिज वगैरह रख सकते हैं। वेंटिलेशन इस साइड से आपको विंडो दी है, वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी बड़ी आपकी किचन दी है। इस किचन का मैंने साइज रखा है 8x14 की आपकी किचन दी गई है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 8x14 की। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है, कुछ इस तरीके से रूम के वेंटिलेशन इस साइड से आपको विंडो दी है, और डायरेक्ट आपको बाहर से आने जाने कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया है। इस रूम को आप बैठक के पर्पज़ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीढ़ियाँ भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे आपको पेड़ पौधा लगाने के लिए स्पेस भी दिया हुआ है। इस रूम का मैंने साइज रखा 12x14 का आपका रूम बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हॉल में कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो दिख जाती है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से रूम मिल जाता है हॉल में। इस रूम का मैंने साइज रखा है 8x9x13 का आपका रूम दिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से रूम मिल जाता है। रूम के वेंटिलेशन इस साइड से विंडो दी, यहाँ पे आराम से कूलर भी लगा सकते हैं। पीछे यहाँ पे आपका 4 फिट का स्पेस दिया, पीछे आने जाने कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया हुआ है। इस रूम का मैंने साइज रखा है 11x15 का आपका रूम दिया है, देख सकते हैं 11x15 का। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेम साइज़ का रूम मिल जाता है। वेंटिलेशन पीछे से विंडो दिया, पीछे आने जाने कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया हुआ है। ये भी आपका 11x15 का रूम बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको बाथरूम मिल जाती है। लेटरिन बाथरूम दोनों आपकी अलग अलग बनाई गई हैं। इस बाथरूम का मैंने साइज रखा है 5x6.5 की आपकी बाथरूम दी है, देख सकते हैं 5x6.5। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट मिल जाती है, देख सकते हैं। इस टॉयलेट का मैंने साइज रखा 4x4.5 की आपकी टॉयलेट दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से पार्किंग से भी एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे भी आपको कॉमन एक टॉयलेट मिल जाती है। दो आपकी टॉयलेट दी हैं, देख सकते हैं, एक आपको अंदर से एक आपको बाहर से। इस टॉयलेट का मैंने साइज रखा 4x4.5 की आपकी टॉयलेट दी गई। दोनों आपकी टॉयलेट सेम साइज़ की बनी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31.5x45 में आपको 4 कमरे का मकान कुछ इस तरीके से कंप्लीट मिलता है, फुल्ली वेंटिलेशन साथ में। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की। तो जीने से आपको ऊपर आना है, ऊपर आने बाद कुछ इस तरीके दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीने से आपको जिस तरीके से ऊपर आएंगे, उसके बाद तुरंत ऊपर जाने कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने वाला सेम साइज़ का जीना दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे पूरा आपको सेम प्रोसेस मिल जाता है, जैसा कि आपके नीचे देखने वाला पूरा आपका सेम प्रोसेस बना हुआ है 4 कमरे का, देख सकते हैं, फुल्ली वेंटिलेशन साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं छज्जा आपका 3 फिट का निकला, छज्जा आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, 2 फिट 2.5 फिट जितना भी आपको निकालना हो। यहाँ पे आपको रूम से डायरेक्ट बालकनी में आने जाने कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया हुआ है। सेम साइज़ का सेम प्रोसेस आपका पूरा ऊपर दिया है, देख सकते हैं। कंप्लीट अटिया कुछ इस तरीके से बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की वेंटिलेशन कुछ इस तरीके जाल दिया है। फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कंप्लीट बना हुआ है। 31.5x45 में
8 कमरे के साथ बाइक पार्किंग हाउस प्लान कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।